नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश गहलोत आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे मित्रों जीव विज्ञान के बारे में। जो टॉपिक था हमारा जंतुओं का वर्गीकरण, तो हमने जंतुओं का वर्गीकरण देखा था। आज हम बात करेंगे स्टोरर तथा यूसेंजर, जो 1975 में इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण दिया, इसके बारे में बात करेंगे मित्रों। ये सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें मित्रों। एक बात आपको बता दूं, अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बातें थी वो यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। इसके कारण मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप एक बार वहाँ जाके ज़रूर देखिए मित्रों। तो मैंने इन्हें बताया था अकशेरुकी और कशेरुकी के बारे में मित्रों, तो वही हम देखते हैं। स्टोरर तथा ह्यूसिंजर ने, ठीक है, दो प्रकार बताया, एक तो प्रोटोजोआ, दूसरा बताया मेटाजोआ। और मेटाजोआ को दो दो के अंदर बांटा, एक अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी। तो प्रोटोजोआ की बात करूँ मित्रों, तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मित्रों, एक कोशिकीय होते हैं और एकदम सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। क्या सूक्ष्म, इनको प्रथम जंतु भी बोला जाता है मित्रों, प्रथम जंतु, ठीक है। और मित्रों ये जल, गीली मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ठीक है ना। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में मिट्टी, जल वगैरह, तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और मित्रों या फिर ये जीव जंतु हैं या फिर पौधे, इनके शरीर में परजीवी, सजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है, परजीवी या सजीवी के रूप में। ये मैंने आपको बता दिया। इनके एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, तो एग्जाम्पल जैसे कि युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये किसके अंदर आते हैं मित्रों, प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है। तो ये तो हुआ मित्रों प्रोटोजोआ। और साथ ही साथ मित्रों इसमें आकार में भी सेम होते हैं ये, और कार्य प्रणाली में भी सेम होते हैं। अब जो मेन जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं मित्रों, कशेरुकी और अकशेरुकी के बारे में। कशेरुकी और अकशेरुकी, कशेरुकी वो जीव होते हैं मित्रों जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इसके अंदर रीढ़ की हड्डी है वो नहीं पाई जाती है, किसके अंदर, अकशेरुकी के अंदर, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसका जो वर्गीकरण किस प्रकार है मित्रों, हमको आपको बता दूं, पहले नामकरण बता रहा हूँ, फिर एक एक करके अपन डिटेल से समझेंगे। पॉरीफोरा, ठीक है, या फिर पॉरीफेरा, मैंने बताया था मित्रों जो स्तर बताए थे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर बताया था कोशिकीय स्तर, तो ये कोशिकीय स्तर के अंदर आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूँ सिलेंटेट्रा, ये ऊतक स्तर के अंदर आते हैं। और ऊतक स्तर के अंदर सबसे पहले जो देखा गया था, ठीक है, वो किसमें, सिलेंटेट्रा। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ मित्रों प्लेटी हेलमिथीज, ठीक है। और सबसे पहले जो अंग स्तर हैं वो प्लेटी हेलमिथीज के अंदर देखा गया। फिर मित्रों मैं बात करूं और, तो वो है मित्रों एस के हेलमिथीज। मैं तो इतनी बातें कहीं नहीं मिलेगी जिंदगी में, बता रहा हूँ डिटेल से आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद आता है मित्रों एनीलेडा, ठीक है, एनीलेडा। और उसके बाद आता है मित्रों आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा वर्ग में तो कौन सा, आर्थ्रोपोडा, लगभग 80% से ज़्यादा, ठीक है, जीव इसी है, इसी से रिलेटेड है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मोलस्का, उसके बाद हम पढ़ेंगे इकाइनोडमेट्रा, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता होती है किसमें, इकाइनोडमेट्रा में। ये मैं आपको और बताऊंगा आगे मित्रों,
अब मैं आपको बताऊं जो कशेरुकी के अनुसार हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो देखते हैं। तो कशेरुकी की बात करें मित्रों, कॉर्डेटा, ठीक है, यानी कॉर्डेटा। कशेरुकी की बात करें तो इसके अंदर मित्रों पिशीज या मछली, मत्स्य वर्ग, ठीक है, और एम्फीबिया, वेचर, इसी प्रकार स्थलीय जंतु, इसमें सरीसृप, ठीक है, और उसके बाद मित्र हम पढ़ेंगे सफल जो स्थलीय जीव बोलते हैं वो, जिसके अंदर मित्रों एविस पक्षी, ठीक है, और मैमस यानी स्तनधारी। एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं मित्रों, तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को अंत तक देखिए, जिससे निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पॉरीफेरा से। अकोशिकी के अंदर, अकशेरुकी के अंदर पॉरीफेरा, ठीक है, तो मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक एक करके बातें समझाता हूं। इस प्रकार के इसके अंदर छिद्र होते हैं मित्रों, ठीक है, और यहाँ पे बड़े छेद होते हैं। तो मित्रों ये बड़े छेद हैं ये वाले, ये कहलाते हैं आस्क्यूलम, आस्क्यूलम बड़े छेद, ठीक है, और ये छोटे छेद हैं मित्रों यहाँ पे, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया, क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया यानी छोटे छेद, ठीक है मित्रों। तो मित्रों हम बात करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। ये मित्रों आपने देख लिया कि छिद्र धारक होते हैं, संपूर्ण शरीर के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, ये आपने देखा, ये रहा ऑस्टिया कहलाते हैं। और मित्रों ये जो इनकी क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है, जो संरचना एक क्रियात्मक इकाई होती है, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय, लेकिन मित्रों इसके अंदर ऊतकों का अभाव होता है। मैंने ऊतक आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जो टॉपिक बताया था आगे पहला वाला पार्ट, उसके अंदर कौन सा जीव देखा गया वगैरह सब बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। इसके अंदर ऊतकों का अभाव होता है, यानी कि इसके अंदर ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ मित्रों, ये मित्रों अधिकांश के जीव होते हैं, जंतु होते हैं, पौधों के समान पत्र, पौधों के समान होते हैं मित्रों, और पत्रों व जलीय वस्तुओं के छिपके रहते हैं, ठीक है, पत्रों व जलीय वस्तुओं के छिपके रहते हैं, ठीक है। और इनके मित्रों ये देखिए, ये शरीर है इनके पेड़ों की भांति बहुत सारी शाखाएं होती है, मैंने बताया आपको पौधों के समान, तो ये बहुत सारी शाखाएं इनके ये आप देख सकते हो, ठीक है। और मित्रों मैंने आपको सममिति बताई थी, सममिति के आधार पे, तो ये होते हैं असममिति होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर मित्रों जल परिवहन है वो मौजूद रहता है, तो हमने ये देखा इनके अंदर जल परिवहन मौजूद होता है मित्रों। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल के बारे में, एग्जांपल देखिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। तो बात करते हैं मित्रों इसके अंदर ल्यूकोसोलिनिया,
किसके अंदर? पॉरीफेरा के अंदर। और दूसरा मित्रों युस्पंजिया, ड्यूकोसोलिनिया युस्पंजिया, युवक्टेला। ठीक है, और इसे बोलते हैं मित्रों फूलों की टोकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूलों की टोकरी। किसको? युस्पंजिया को। ठीक है मित्रों, और मैं बात करूं मित्रों, ये सुनहरे कलर के होते हैं मित्रों और सजावट के लिए काम आता है। कौन? युस्पंजिया। ठीक है मित्रों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी पॉरीफेरा के बारे में। जो नेक्स्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बारे में बात करने से पहले मित्रों मैं आपका इसका डायग्राम बता देता हूँ, जिससे और आपके बातें जो कवर हो जाएगी। किस प्रकार से होता है ये देखिए आप। इस प्रकार से जीव होता है कौन सा? सिलेंट्रेटा। ठीक है, इनको बोलते हैं स्पर्शक। ठीक है, ये बोलती होती है मित्रों जठर गुठा, जठर गुहा। मैंने गुहा क्या होती है, प्रगुहा क्या होती है बताए थे। इसके अंदर भी ये छेद होते हैं। ठीक है, और इनको बोलते हैं मित्रों निमिटोसाइट। क्या बोलते हैं? निमिटोसाइट। और निमिटोसाइट होने के कारण मित्रों ये इनको बोलते हैं सिलेंटेटा को। ठीक है, नाइडेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडेरिया। ठीक है मित्रों, ये जो बीच में ये होता है ये कहलाता है हाइपोस्टोन। ठीक है, ये होती है मित्रों ये दंशिकाएं। क्या होती है? दंशिकाएं। ठीक है, और मित्रों यहाँ पे इनका ये तो मुंह। क्या होता है? मुंह। तो ये मैंने आपको डायग्राम बताया कि इनका सिलेंटेटा का। ठीक है, सबसे पहले ऊतक स्तर इसी के अंदर दिखा गया। अब मैं बात करता हूँ मित्रों इनके बारे में, इम्पोर्टेंट बातें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या बातें हैं सिलेंटेटा के बारे में। तो मित्रों ये बहु कोशिक किया वह अरियस सममित होता है, मैंने बताया था आपको रेडियल। ठीक है, सिमेट्री। अरियस सममित क्या होता है सब बता रखा है। आप पीछे वाला पार्ट जाके जरूर देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, उसमें सब बातें बताई गई है। और मित्रों आपको बता दिया यहीं से सबसे पहले ऊतक स्तर देखा गया था, तो ये इसमें ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ जो जीव है मित्रों स्वच्छ जल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो जीव होते हैं वो खारे जल के अंदर होते हैं। शरीर के संपूर्ण कार्य मित्रों किसके द्वारा? ऊतकों के द्वारा ही होते हैं संपूर्ण कार्य शरीर के। और मैंने आपको स्तर बताए पहले वाले पार्ट के अंदर, ये द्विस्तरीय होता है जिसके अंदर मित्रों, ठीक है, एक्टोडर्म, बाहरी त्वचा या आंतरिक त्वचा। ठीक है, एंडोडर्म अब एक्टोडर्म बताया था आपको, अगर आपने वो नहीं देखा हो जरूर देखे, मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मित्रों ठीक है, और इन दोनों के बीच में मिसोगलिया नामक एक अकोशिकीय झिल्ली पाई जाती है। किस नाम की? मिसोगलिया नामक की एक अकोशिकीय झिल्ली पाई जाती है। किनके बीच में? बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा के बीच में। और मित्रों ये आकार की बात करें तो यहाँ देखिए ये बेलनाकार आकार में होते हैं। ठीक है, आकार बेलनाकार भी हो सकता है और पाइप के समान भी होता है।
या बेर मित्रों, ठीक है, छाते के समान। और मित्रों इसके बारे में बात बताऊं तो मैंने परगुआ पढ़ाई थी तो उसमें बताया था इनमें देह गुहा का अभाव होता है। किसका अभाव? देह गुहा का। ठीक है मित्रों, देह गुहा का अभाव होता है। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मित्रों हाइड्रा, जो मैंने डायग्राम बताया वो हाइड्रा का ही था, ठीक है, और ओबिलिया, थाइलेशिया, ये तीन चार नाम बता रहा हूँ, ये जरूर याद करना, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रा किससे रिलेटेड हैं, तो आपको बताना सिलेंटेटा से रिलेटेड है, ठीक है, सिलेंटेटा हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज़ और इसी के अंदर मुझे याद आया, आपको बता दूँ, इसके दो टाइप होते हैं, वैसे मैंने बता दिया फिर भी आपको बता दूँ, एक होता है पॉलिफ, दूसरा होता है मेडेसा, ठीक है। पॉली मित्रों वो बेलनाकार होते हैं, ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते। क्या होते हैं? बेलनाकार, ये मूव नहीं कर सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और इसके अंदर जो प्रक्रिया होती है जनन की, अलैंगिक होती है, ठीक है, अलैंगिक प्रक्रिया होती है। और इसकी बात करूँ मित्रों मेडिमा मेडेसा की, तो ये मूव कर सकते हैं और इसके अंदर लैंगिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों सिलेंटेटा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ प्लेटी हेर्मथीस। तो बात करते हैं मित्रों प्लेटी हेर्मथीस के बारे में। तो मित्रों सबसे पहले हम देख लीजिए आप, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है? प्लेटी हेर्मथीस है, पर्णकर्मी, ठीक है, किसका उदाहरण है? पर्णकर्मी का डायग्राम। बात करते हैं इनके बारे में, प्लेटी हेर्मथीस के बारे में क्या क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूँ मित्रों। सबसे पहले अंग स्तर किसमें देखा गया? प्लेटी हेर्मथीस के अंदर। और इसके अधिकांश जंतु होते क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड वाले परजीवी। फीते के आकार या भी छपटी पत्ती की आकृति के होते हैं मित्रों। इनका आकार या तो फीते जैसा या फिर छपटी आकृति जैसा होता है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अंदर बात कर तो त्रिस्तरीय होते हैं मित्रों। जो नेक्स्ट पहले वाला था इसमें क्या था? द्विस्तरीय, जिसके अंदर हमें त्रिस्तरीय की बात करें, एक्टोडर्म, ठीक है, मेजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, बाह्य तवसा, मध्य तवसा या आंतरिक तवसा, ठीक है मित्रों। जंतुओं में अंग या तंत्रों का विकास होता है, ठीक है, अंग तंत्रों का विकास होता है। और उत्सर्जन के लिए मित्रों ज्वालक ज्वाला कोशिकाएं होती है, कौन सी? उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं? ज्वाला कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और मित्रों श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, ये भी मैंने पहले बता रखा है। दो प्रकार बताए थे परिसंचरण तंत्र के पहले वाले पार्ट के अंदर, इसके श्वसन और परिसंचरण तंत्र हैं वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मित्रों और इनके बारे में, ये उभयलिंगी हो सकते हैं जिनके अंदर दोनों लिंग हो, ठीक है, और ये एक लिंगी या फिर द्विलिंगी भी हो सकते हैं, ठीक है, दो लिंग हो या फिर इनके एग्जाम्पल की बात करें मित्रों तो होते हैं हिपेरिका, और फैशियोला, ठीक है, टीनिया सोलियम, फिताकर्मी
आपको मैंने बताया अभी वर्णकर्मी, ठीक है। तो एक उदाहरण है मित्रों, सिंपल पड़ता है, बस आपको एक बार जो पहले बताया मैंने वो जरूर देखना, तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। बस फिर नेक्स्ट है एस के हेलमथीज, तो बात करते हैं एस के हेलमथीज के बारे में मित्रों। सबसे पहले आपको बता दूं ये किस प्रकार से दिखते हैं। इस प्रकार से मित्रों होते हैं, ये छोटे वाला ये नर, और ये इस प्रकार का होता है वो होता है मादा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में मित्रों, क्या क्या बातें हैं, बस नाम से पता चल जाएगा आपको मैं कह रहा हूँ। ये मित्रों गोलकर्मी या सूत्रकर्मी होते हैं, ठीक है। वो चपटे कर्मी थे मित्रों, आकार में चपटे होते थे, ये गोल होते हैं, और इनका जो शरीर है मित्रों, ठीक है, पतला, क्या होता है, पतला होता है, और नाला कैसा होता है, तो उस नाला जैसा होता है नाला का, ठीक है। और ये अविभाजित होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दोनों सिरों पर ही देखिए, ये नुकीला होता है, दोनों सिरों पर नुकीला, और द्विपार्श्व भी होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, समिति पढ़ाई, सिमेट्री पढ़ाई, तो उस टाइम कब, नेक्स्ट वाले पार्ट, पहले वाले पार्ट के अंदर, द्विपार्श्वी अंदर यानी बीच के अंदर केवल यानी बीच ही विभाजित किया जा सकता है। इसे दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है मित्रों। और मित्रों इसके अंदर श्वसन और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, और ये भी मित्रों त्रिस्तरीय होते हैं। आगे आएंगे सभी त्रिस्तरीय, एक बार हो गया तो आगे वाले वो तो पाई जाता है इसके अंदर जो, ठीक है ना, त्रिस्तरीय हो गया। और इसके अंदर जो वास्तविक गुहा है उसकी जगह आभासी गुहा पाई जाती है, ठीक है, होती नहीं लगती है, केवल के आभास आभास होता है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा है आगे मित्रों परगुआ के बारे में। और ये परजीवी होते हैं, और जल, गीली मिट्टी व अन्य पादपों के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर नर तथा मालक मादा हैं जो अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बता दिया नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल मित्रों एस्केरिस, ठीक है। और मित्रों बात करें तो वुचेरिया, ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ एस्केरिस के बारे में मित्रों। इससे जो रोग होता है एस्केरियसिस, एस्केरियसिस रोग होता है, ठीक है, जिसमें मित्रों रोग के अंदर होता तो क्या होता है, ऐठन होती है, भूख लगती है, ठीक, भूख कम लगती है और नींद आती है, ठीक है, बेहोशी जैसी स्थिति आती है। और वुचेरिया की बात करूँ मित्रों, तो वुचेरिया ये भी एक डिजीज बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वो है संग एनिलेडा, ठीक है, कौन सा आता है, संग एनिलेडा, एनिलेडा के मैं डायग्राम बताऊँ आपको तो इस प्रकार देखिए कुछ, इस प्रकार से तो आपने देखा ही होगा क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये मित्रों जो आपको बताया मैंने, ये एनिलेडा का डायग्राम है। इनका जो शरीर देखिए कैसा है, बेलनाकार टाइप है, ठीक है। तो शरीर एक बात तो हो गई कि शरीर है बेलनाकार,
ठीक है, और जो ये होता है बीच में कोमल होता है, ठीक है, क्या होता है कोमल, और शरीर आगे पीछे तक समान खंडों के अंदर विभाजित होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको खंड बताए, ठीक है, तो शरीर यहाँ क्या है, खंडों में विभाजित, और बातें देखते हैं और क्या होती है इसके अंदर। वास्तविक देह गुहा होती है, ठीक है, कैसी देह देह गुहा होती है, वास्तविक देह गुहा होती है, और इसके अंदर मित्रों पाचन है, श्रवण है, उत्सर्जन है, जनन है, तंत्रिका तंत्र, ये सभी पाए जाते हैं, और रुधिर परिसंस्रण तंत्र भी पाया जाता है, ठीक है, और एक लिंगी होते हैं, इसका लिंग होता है वो एक ही होता है, एक लिंगी होते हैं मित्रों, जो स्वच्छ जल पृथ्वी के अंदर, ठीक है, ये पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब इनकी इच्छा होती है तो उस टाइम अपना लिंग बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है मित्रों। एग्जाम्पल आपको बता दूं, नेरोज, क्या नेरोज, ये बात आपको याद रखनी है, और केचुआ, ठीक है, केचुआ के बारे में बात कर लो मित्रों, इसे बोलते हैं किसानों का मित्र, ठीक है, ये मिट्टी को खाकर उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है मित्रों, तथा इनके शरीर से गठिया, बवासीर, अतिसार, पीलिया तथा नपुंसकता की दवा बनाई जाती है, किससे, केचुए से। तो ये तो हो गया मित्रों, क्या हुआ, संघ एनिलेडा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, वो है मोलस्का। कौन सा मित्रों, मोलस्का। सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम किस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार देखिए, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो यहाँ देखिए ये होती है इनकी, क्या होती है, आर्म्स, भुजाएं, ठीक है, ये क्या है, ऑक्टोपस, क्या है मित्रों, ऑक्टोपस, जिसके अंदर हाईएस्ट रिजनरेशन पावर होती है, ठीक है। तो मोलस्का की बात करें मित्रों, ये समुद्री और लवणीय जल और नम भूमि में पाया जाता है, कहाँ पे, समुद्री और लवणीय जल, ठीक है, और नम भूमि में पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है मित्रों कैसा होता है, कोमल शरीर होता है, ठीक है, और रक्षा के लिए कवच होते हैं, ठीक है, सिर और पाद होते हैं, ठीक है, पैर होते हैं। इनका रुधिर जो है वो रंगहीन होता है, ठीक है, जो श्वसन है मित्रों ये गिल्स के द्वारा, वायु कोश के द्वारा करते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है, इनके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर इनका कोई अंग है वो खो जाता है तो तुरंत हाथों हाथ ही वापस प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुए मोलस्का के बारे में, और नेक्स्ट है वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्या है मित्रों, आर्थ्रोपोडा,
तो बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं। इस प्रकार से मित्रों इसका कुछ डायग्राम होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपके सामने ही बना रहा हूं जिससे आपको आसानी समझ आ जाए। इस प्रकार से इसका कुछ डायग्राम होता है। ऐसे जी तो आपने देखे होंगे, इसकी आँख हो गई, इस प्रकार ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये किसका डायग्राम बनाया मैंने आपको, ये बताया मैंने आपको आर्थोपोडा का। ठीक है, देखिए पूरा ये आर्थोपोडा है मित्रों। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो ये किसका है, ग्रासोफियर। ठीक है, अब हम इस बात करते हैं मित्रों कुछ इम्पोर्टेंट बातें किसके बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में। ये मित्रों संसार का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, संसार का भी मैंने बता रहा पहले ही बताया था, संसार का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। कुल जगत के मित्रों 80% जीव, ठीक है, 80 से भी अधिक जीव आर्थ्रोपोडा से हैं। ठीक है, इनका जो बाह्य शरीर मित्रों वो किससे बना होता है, काइटिन से। ठीक है, और समय समय पर काइटिन को त्याग दिया जाता है, इसे बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है मित्रों, और मित्रों ये शरीर है तीन भागों के अंदर विभाजित है, जिसके अंदर शीर, धड़ और उदर, आप देख सकते हो सिर, धड़ और उदर, ये पे। ठीक है, तीन भागों के अंदर विभाजित होता है मित्रों, और इसके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वो मैंने बताया था आपको दो प्रकार से होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसके अंदर तो परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का पाया जाता है। कैसा, खुले प्रकार का। ठीक है, और ये जीव मित्रों जलीय हो सकता है, स्थलीय भी हो सकता है, वायवीय या भूमि के अंदर गुफा बनाकर भी रह सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एग्जांपल ऐसे आपने सबने देखे हैं कैसे होते हैं, जैसे रेशम कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं, मधुमक्खी है मित्रों। ठीक है, लार्वा कीट हैं, इसके अलावा कुछ हानिकारक कीट भी होते हैं, जैसे कि उनमें बात करें हानिकारक के बारे में तो आपको मैं बता दूं हानिकारक कीट के बारे में, जैसे टीडी हो गया, ठीक है, कपास का जांगा हो गया, गोभी का छेंचा हो गया। ठीक है, छेंचा, ये क्या है सब हानिकारक। और मैं थोड़ा सा आपको इनका वर्गीकरण समझाऊं मैं, तो पाद के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, पैरों के आधार पर, पाद के आधार पर। तो इनका जो पाद के आधार वर्गीकरण किया गया मित्रों, कितने प्रकार से किया गया, चार प्रकार। ठीक है, एक को बोलते हैं क्रस्टेशिया, दूसरा है मित्रों अर्केनाइडा। ठीक है, तीसरा है मित्रों इसेक्टा। ठीक है, क्रस्टेशिया, अर्केनाइडा, इस्टेक्सा, और तीसरा चौथा है मित्रों सीरियोपोडा। ठीक है, इसके अंदर जो पैर होते हैं मित्रों, पांच जोड़ी पैर होते हैं, कितने जोड़ी, पांच जोड़ी, यानी कि 10 पैर। एग्जाम्पल बात करें मित्रों तो केकड़ा है, एग्जाम में कितनी बार की केकड़े, कितने पैर होते हैं, झींगा मछली है। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, क्रस्टेशिया के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट बताऊँ अरेक्नाइडा के अंदर बात करें तो मित्रों इसके अंदर
चार जोड़ी पैर होते हैं। एग्जाम्पल बात करें बिच्छू, जू, ठीक है। इंसेक्ट की बात करें तो तीन जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इनकी जो सबसे ज़्यादा संख्या की जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर किन की है, इनकी है सबसे ज़्यादा संख्या, ठीक है। और मित्रों इसके पंख होते हैं, ठीक है। कुछ के ये ज़्यादा, सब के तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ के पंख होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे तितली हैं, चींटी हैं, ग्रास ऑपर हैं, चीटा हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, इंसेक्ट के अंदर आते हैं, क्रस्टेशिया, ठीक है। बता दिया आपको अरेक्नाइडा, बता दिया इंसेक्ट, बता दिया। अब बताता हूँ सीरियोपोडा, इनके अंदर बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत पैर, ठीक है। 200 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं मित्रों, कितने जोड़ी, 200 जोड़ी तक। इसका एग्जाम्पल है मित्रों कातर, जो जल में पाया जाता है, क्या कातर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आर्थ्रोपोडा हो गया, वो है मित्रों संघ इकाई नोड मेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये पाया जाता है मित्रों, ठीक है। इस प्रकार से होता है। इसके जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, कांटेदार, ठीक है। त्वचा होती है मित्रों कांटेदार त्वचा होती है। ये जो कंकाल होता है मित्रों पूरा कैल्शियम मुक्त होता है, कैसा, कैल्शियम से, कैल्शियम मुक्त। इसके अंदर अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, ठीक है। सममिति की बात करें तो इसके अंदर अरीय सममिति पाया जाता है, कहीं से भी विभाजित इनको कर सकते हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय होता है और इसके अंदर प्रगुहा पाई जाती है मित्रों, मैंने सब बता रखे। ये जल श्रवण तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है इसके अंदर, उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसके अंदर नर और मादा अलग 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 होते हैं, ठीक है। और जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। तो ये हो गया मित्रों इकाई नोड मेट्रा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ संघ हेमिकार्डेटा, कौन सा, हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा की बात करूँ मित्रों तो ये समुद्री किनारे सुरंग बनाकर, ठीक है, सुरंग बनाकर रहते हैं, कर्मी के समान होते हैं। मैंने आगे आपको बताया कर्मी कैसे होते हैं, ठीक है। ये मित्रों पहले कशेरुकी संघ के अंदर आते हैं, ठीक है, पहले कशेरुकी संघ के अंदर आते हैं मित्रों, लेकिन अरजुकियों के अंदर इनको सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शरीर है वो तीन भागों के अंदर विभाजित होता है, जिसके अंदर सूंड, दूसरे बोलते हैं कॉलर, और तीसरा है धड़, ठीक है। इस जो आहार नाल है मित्रों यू आकार की होती है, किस आकार की, यू आकार की। ये सूंड है किस काम आती है, उत्सर्जन के लिए काम आती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो बेल्मोग्लोसस तथा सेपेलो डिक्स, ये मैं तो मित्रों मैं आपको बताए अकशेरुकी जीव थे वो बताए, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं कशेरुकी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखा और ज़रूर देखना मित्रों, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लेना।